हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आई एम सो सॉरी, वीडियो बहुत ज्यादा लेट आ रही है और आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए गिव अवे रिजल्ट्स के लिए। आई एम वेरी सॉरी, वीडियो भी लेट है और गिव अवे रिजल्ट्स जो है वैसे आज ही अनाउंस करने थे, बट अब कल पे जो है हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। कल सैटरडे आप लोगों के लिए जो है आराम से गिव अवे वाली वीडियो आएगी और कल एक बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है, गिव अवे अनाउंसमेंट भी है। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट्स है वो भी कल की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। एक और चीज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी न्यूज निकल के आई है और ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, क्योंकि ये चीज पहले भी सुनने में आई थी लेकिन एप्पल क्या कर रहा है वो एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं पता था। तो यहां पे जो है न्यूज बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स, इंटरनेशनल कस्टमर्स या फिर एप्पल लवर्स हम लोग बोल सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। आप लोगों को आई क्लाउड पता होगा, एप्पल का म्यूजिक सब्सक्रिप्शन पता होगा, तो ये सारी की सारी जो है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये सारी जो है सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अब एप्पल प्लान कर रहा है हार्डवेयर सब्सक्रिप्शन की, तो हार्डवेयर सब्सक्रिप्शन मतलब आप लोगों को आईपैड और आईफोन आप लोग जो है मंथली सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हो। आप बोलोगे कि ये तो ईएमआई की तरह हो गया, तो ये ईएमआई की तरह एक तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। अगर ईएमआई होता तो एप्पल ऐसा कुछ भी प्लान नहीं करता। बेसिकली जैसे लीज होता है, आपने कोई चीज जो है लीज पे ले ली, बहुत लोगों को शायद ये भी चीज समझ नहीं आएगी, बट बेसिकली ये होगा कि उस आईफोन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आईफोन 13 प्रो मैक्स है यहाँ पे, तो उस फोन की वैल्यू क्या है। अब वैल्यू अमाउंट आपको 12 मंथ्स में पे करना है, ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन जो उसका अमाउंट बनता है बेसिकली, अगर हम लोग बोलते हैं रेंटल चार्जेस जो बनते हैं कि एक आईफोन को मंथली यूज करने के आप लोगों को जो है 1000 रुपीज पे करने हैं और आप 12 मंथ्स यूज करने के 12000 रुपीज पे कर रहे हैं और बाद में वो आप आईफोन जो है वापस कर दोगे, तो कुछ ऐसा प्रोसेस जो बनने वाला है। अभी मैंने आप लोगों को जो 1000 रुपीज का एग्जांपल दिया वो 1000 रुपीज तो नहीं होने वाले, लेकिन एप्पल क्या करना चाहता है, एप्पल मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है। एप्पल चाहता है कि एंड्रॉइड को बिल्कुल बाहर कर दे और हर एक एंड्रॉइड यूजर या फिर हर एक यूजर जो एक फोन परचेस करना चाहता है उसके दिमाग में सिर्फ एप्पल आए, मतलब सिर्फ आईफोन आए, सिर्फ आईपैड आए। तो एप्पल जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो एक बड़ा मास्टर प्लान यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एप्पल टीम को जो मैं मास्टर माइंड बोलता हूँ, हर चीज में सबसे आगे है। मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, और परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी हम लोगों को फोन की मिलती है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं और अभी इसका कोई डिटेल्ड चीज नहीं है कब आएगा कैसे आएगा, बट एप्पल इसके ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या इंडिया में आएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है इंडिया में नहीं आती, तो ये वहां पे आएगा जहां पे एक एप्पल स्टोर है। तो एप्पल स्टोर जो है इंडिया में 100% इसी साल आ रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया में भी ये चीज आएगी। यस, इंडियन ऑडियंस को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट चीजें रहती हैं कि कैसे पे आउट रहेगा, कैसे सब्सक्रिप्शन रहेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जैसे हम लोग कार्स का करते हैं कि कार्स लीज पे ले ली, वैसे फोन लीज पे जो ये कॉन्सेप्ट एप्पल लेकर आ रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और हर एक यूजर इजिली जो है आईफोन ले पाएगा। ऑब्वियसली वो चीज नहीं होगी कि आईफोन परचेज कर ले, लेकिन एप्पल इससे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कमाने वाला है, क्योंकि एप्पल यूजुअली बहुत सारी चीज ऐसी भी करता है। एप्पल आईफोन को सेकंड हैंड परचेज भी करता है, जो आप अपग्रेड करते हो कि आईफोन 13 दिया और आईफोन 14 आप ले लोगे, या फिर आईफोन 12 दिया आईफोन 13 ले लोगे, तो एप्पल वो चीजें भी बहुत सारी करता है। रिफर्बिश्ड आईफोन भी सेल करता है, तो एप्पल को आपसे फोन वापस लेने में कोई भी नुकसान नहीं होगा। एप्पल जब आईफोन SE 3 बना सकता है पुराने पार्ट्स लेकर, तो एप्पल कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जो है ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आप लोगों को क्विक न्यूज मेरे को आज देनी थी। आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कल गिव अवे की अनाउंसमेंट का जो है वेट करना। गिव अवे एंट्रीज क्लोज हो चुकी हैं और कल आप लोगों को जो है विनर मिल जाएगा आईफोन SE 3rd generation का। तो कांग्रेचुलेशंस मैं पहले ही बोल देता हूं, और जो भी लोग होंगे डिसअपॉइंट मत होना, आप लोगों की लॉयल्टी मैटर करती है। तो बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।